नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव का एक ऐसा ट्वीट जिससे घमासान मचा हुआ है। जी हां, आखिर ट्वीट में ऐसा क्या है कि जिससे बड़े बड़े विपक्षी दल, बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिनके होश उड़ चुके हैं। पूरा विस्तार आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यूपी में सस्ते सब्जी दाम खरीदने से किसान काफी नाराज भी नजर आए हैं, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है यह भी बताने वाला हूं। सपा की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 में साइकिल के लिए वो किसी से भी टकराने को तैयार है। हाल ही में अखिलेश ने एक ट्वीट किया जिस पर बवाल मच गया। इस ट्वीट के माध्यम से अखिलेश ने बीजेपी पर सीधे वार किया है। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर सस्ते दामों में सब्जी खरीदने से अढ़ातियां नाराज है। किसानों ने सड़क पर फसलों को फेंक दिया है। किसान पहले से ही आंदोलन पर चल रहे हैं और काफी नाराज आ रहे हैं सरकार से। लेकिन एक बार फिर से सब्जी के दाम सस्ते होने से किसान फिर से नाराज आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो किसानों को अभी तक सरकार ने मनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है, जिससे किसान काफी नाराज आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने फिलहाल मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि संभल कर भाई, कहीं डबल इंजन की गाड़ी पलट न जाए। अखिलेश यादव ने रोडवेज की बस दिखाकर सीएम योगी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव के रोडवेज बस पर किए गए ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जिसकी खुद की साइकिल कबाड़ हो चुकी है, उसे डबल इंजन की सरकार की चिंता सताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीएम योगी पर सीधा हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक खबर के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि संभल कर भाई, कहीं डबल इंजन की गाड़ी पलट ना जाए। दरअसल यूपी परिवहन विभाग की एक बस को स्टार्ट करने के लिए सवारियों से धक्का लगवाया जा रहा है। इसी खबर पर अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई लोग संभल कर, धक्का मारना, कहीं डबल इंजन की गाड़ी पलट ना जाए। अखिलेश यादव के ट्वीट पर तमाम लोग उनके समर्थन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं और आप इसको लेकर ट्वीट देख सकते हैं। अखिलेश यादव की क्या साइकिल 2022 के अंदर क्या नैया पार लगा पाएगी? क्या अखिलेश यादव डबल इंजन सरकार को अपनी साइकिल से गिरा पाएंगे? जी हाँ, लोगों का मानना है कि जमाना फिर से वापस लौट कर आ रहा है। यानी लोगों का साफ साफ संकेत है कि इस बार अखिलेश यादव हार नहीं मानने वाले हैं। इस बार अखिलेश यादव अपने विजय रथ पर सवार हो चुके हैं। अखिलेश यादव को लेकर उनके फैंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव की पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। पहली संख्या किसानों का नाराज, दूसरी चीज किसानों की फसलों के भाव ना मिलना। एक तरफ से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा मिल सकता है। इसके बारे में आपका क्या सोच रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रिपब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।